मोदी जी फिर आज क्या है? आज तो चुपचाप बैठे हो, आज कोई कहानी बगैर नहीं सुनाओगे, खाली ठोकर बैठे हैं। लालू जी आज तो मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या सुनाऊं? मोदी जी कुछ भी सुना दो, किसी को कुछ मालूम थोड़ी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ जाकर लगेगी। तुम तो बातों के गोले छोड़ो, तुमको हमेशा यही लगता है कि मैं बातों के गोले फेंकता हूँ, तो मैं कुछ नहीं सुनाता। नहीं मोदी जी, इनका क्या, ये लोग तो वैसे ही मजाक कर रहे हैं। तुम तो मोदी जी सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। भैया अखिलेश तुम बोल रहे हो तो मैं कुछ सुनाता हूँ, पर ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत बात है। हाँ तो मोदी जी हकीकत सुना दो। हाँ तो भैया हम सुनो, कई साल पहले की बात है। मोदी जी कम से कम साल तो बता दो, कितने साल पुरानी बात है? अमित शाह जी, सालों की गिनती करके क्या अचार डालोगे? तुम तो सुनो और मजा लो, कितने सालों की बात है, बोलो मोदी जी। देखो भैया हम साल तो मैंने गिने नहीं, मेरे को किसी ने सुनाई थी तो मैं तुमको सुना रहा हूँ, पर मजा नहीं आया तो मुझसे कहना। कई साल पुरानी बात है, एक गांव में दो माँ बेटे रहते थे। माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी। माँ बेटा और बहू आराम से गांव में रहते थे, पर बेटा थोड़ा भुलक्कड़ था, कोई भी बात को बहुत जल्दी भूल जाता था। एक साल जब मकर संक्रांति का त्योहार आया तो बहू के मायके वाले बहू को लेने आए, तो दामाद ने भी कहा कि मैं भी चलता हूँ, तो बहू और दामाद को दोनों को ले गए। मकर संक्रांति के दिन ससुराल में बहू की माँ ने खिचड़ी बनाई, दामाद ने खिचड़ी खूब खाई। खिचड़ी खाकर दामाद को मजा आ गया। फिर बहू को उसके पिताजी ने ससुराल छोड़ दिया, पर दामाद को छोड़ना भूल गए। तो दामाद ने सोचा कि अब अपन तो पैदल ही रास्ता लग जाते हैं। तो दामाद पैदल ही अकेला सनसनाता भनभनाता आ रहा था, पर उसको खिचड़ी अच्छी लगी थी तो वह खिचड़ी खिचड़ी कहता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसको खिचड़ी और खाना था। क्या मोदी जी दामाद को उससे घर खाने को नहीं मिलता था क्या? नहीं लालू जी, खिचड़ी उसको बहुत अच्छी लगी थी तो वह घर पर भी खिचड़ी बनवा कर खाना चाहता था, इसलिए वह खिचड़ी खिचड़ी बोल रहा था, क्योंकि वह भुलक्कड़ तो था ही, कहीं भूल ना जाए इसलिए वह खिचड़ी का नाम रट रहा था। और भैया रास्ते में कुछ ऐसा हुआ? अरे मोदी जी रास्ते में क्या हुआ, जरा जल्दी बताओ। भैया लालू जी मैं सुना तो रहा हूँ, फिर तुम बीच में टांग अड़ाने लगे। तो वह दामाद खिचड़ी खिचड़ी कहता हुआ रास्ते पर चल रहा था, पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि वह खिचड़ी का नाम भूल गया और खिचड़ी की जगह पर खाचड़ी खाचड़ी कहने लगा। और वह दामाद खाचड़ी खाचड़ी कहता हुआ रास्ते पर चल रहा था। आगे एक किसान का खेत था, उसने अपने खेत में ज्वार बोई थी तो वह चिड़िया उड़ा रहा था। वह किसान दिन भर से उड़चिड़ी कहकर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी ज्वार को खाने के लिए चिड़िया आ रही थी। और इधर से यह दामाद आ रहा था बोलता हुआ कि खाचड़ी खाचड़ी। जैसे ही दामाद पास आया तो किसान ने उसको पकड़ा और तबीयत से धो छो दिया। मोदी जी ये धो छोना क्या है? अरे भैया राहुल धोना छोना यानी कि उसको बहुत मारा। मारने के बाद किसान ने उससे बोला कि तू ऐसा मत बोल कि खाचड़ी खाचड़ी, तू ऐसा बोल कि उड़चिड़ी उड़चिड़ी। और वह दामाद उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहता हुआ वहाँ से आगे चल पड़ा। लेकिन आगे उसके साथ इससे भी खतरनाक हादसा हुआ। क्या मोदी जी दूसरे किसान ने भी मारा क्या बेचारे भुलक्कड़ दामाद को? योगी जी मोदी जी बता तो रहे हैं, तुमको बड़ी जल्दी पड़ी है कहानी सुनने की। हाँ मोदी जी आगे क्या हुआ? आगे रास्ते में चार लोग चिड़िया पकड़ रहे थे, उन्होंने फंदा लगा के रखा था चिड़िया पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी चिड़िया उसके फंदे में नहीं आ रही थी। वो सुबह से शाम तक परेशान हो रहे थे। इधर से ये दामाद उड़चिड़ी कहता हुआ आ रहा था। इसकी आवाज सुनकर उन्होंने इसको अपने पास बुलाया और पकड़कर खूब मारा, दामाद की चटनी वार दी और बोले चुपचाप यहाँ से घर जाना, कुछ भी मत बोलना रास्ते में, नहीं तो घर आकर मारेंगे। तो दामाद भैया चुपचाप घर चला आया। रास्ते में फिर वो कुछ नहीं बोला और घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा उड़चिड़ी बनाकर दे, मैं खाऊंगा, बहुत मस्त लगती है। बेचारी पत्नी सोचने लगी कि ये उड़चिड़ी क्या है, कैसे बनाकर दूं। पत्नी वहीं पर खड़ी खड़ी देख रही थी दामाद का मुंह कि ये उड़चिड़ी क्या है। तो दामाद ने फिर से बोला अरे जा जल्दी किचन में मेरे लिए उड़चिड़ी बनाकर ला, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है। पर बेचारी पत्नी के तो होश उड़ गए, वह सोचती ही रही कि ये उड़चिड़ी क्या है, कैसे बना कर दूं, कहाँ से लाऊं उड़चिड़ी। लेकिन पत्नी फिर भी वहीं पर खड़ी थी तो दामाद को गुस्सा आ गई, तो उसने अपनी पत्नी को खूब पिटा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे को तो मार मार कर मेरी खिचड़ी बना दी। अरे तो मैं कब से तेरे से खिचड़ी बनाने की बोल रहा था, बनाकर ला देती तो मैं तेरे को क्यों मारता। वो क्या है कि मैं थोड़ा बहुत भूल जाता हूँ, इसलिए मेरे को याद नहीं रहा कि खिचड़ी होती है, पर तू तो समझदार है, तू समझ जाती, खिचड़ी बनाकर ला देती तो मैं तेरे को क्यों मारता।
अरे मारा बाप खिचड़ी बनाना की बोलता तो मैं पहले ही बना कर ला देती, पर खिचड़ी बनाना का चक्कर में तो तुमने मारी खिचड़ी बना दी। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति देव को खिचड़ी बनाकर खिलाई और किस्सा खत्म। वाह मोदी जी, मजा आ गया आपका किस्सा सुनकर। भाइयों अगर आपको भी मोदी जी का किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ सबके साथ। अरे मोदी जी ये करेले क्या रेट लगाए, अच्छे से दाम लगाओगे तो 5 किलो लूंगा। और मुझे कड़वे करेले ही चाहिए, मुझे मीठे करेले नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे करेले नीम जितना कड़वे होंगे तो मैं 5 की जगह 6 किलो लूंगा, क्योंकि मैं मीठा खा खा कर किचवा गया हूँ, मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, मुझे कड़वे करेले ही चाहिए। अरे भैया हमारे करेले इतने कड़वे हैं कि नीम भी इसके आगे फेल है, और मैं तुमसे ज़्यादा रेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि तुम अपने वाले ही आदमी हो। वैसे तो मैं ये करेले 20 रुपये किलो बेच रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं 15 रुपये किलो लगा लूंगा। अरे राहुल भैया हमसे क्या दुश्मनी है जो हमसे नहीं ले रहे हो? अरे मेरे पास के करेले तो मोदी जी के करेले से भी ज्यादा कड़वे हैं, क्योंकि मैं इसमें नीम का रस निकाल कर नीम के रस से इसमें सिंचाई करता हूँ, तो मेरे करेले इतने कड़वे हैं अगर तुम एक बार खाओगे तो तुमको लगेगा कि हाँ नीम से भी ज्यादा कड़वे हैं। और मैं आपसे ज्यादा रेट नहीं लगाऊंगा राहुल भैया, क्योंकि तुम तो अपने वाले आदमी हो, तो मैं आपसे मात्र 13 रुपये किलो लगाऊंगा, तो तुम मुझसे ही करेले लो। अरे राहुल भैया तनिक हमारी ओर भी तो देखो, हमने कौन सा सीन दिया है जो हमारी ओर देख ही नहीं रहे हो? अरे ये योगी और अखिलेश तो तुमको ठग लेंगे, झूठ बोलकर अपना माल बेचते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो अपना माल सच बोलकर ही बेचता हूँ। मेरे करेले मीठे हैं क्योंकि मैं इनमें खाद की जगह पर शक्कर डालता हूँ, जिससे कि मेरे करेले काफ़ी मीठे हैं, और मैं रेट भी इन दोनों से कम लगाता हूँ। मैं राहुल भैया तुमको 12 रुपये किलो के हिसाब से रेट लगाऊंगा, तो राहुल भैया करेले मुझसे ही लो। अरे योगी और अखिलेश तुम मेरे ग्राहक को बिचकाते हो, इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुमको? जब देखो जब तुम मेरे ग्राहक को बिचकाते रहते हो। अरे राहुल भैया मैं तुमको 10 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा, पर इनसे मत लेना। क्या करूँ, इन दोनों के कारण मुझको अपना माल सस्ता ही बेचना पड़ता है। लो राहुल भैया अपना थैला चौड़ा करो और ये लो 6 किलो करेले। आइए मोदी काका आइए, आपका स्वागत है इस गरीब की कुटिया में। और आज इस गरीब की याद कैसे आ गई, कोई काम पड़ गया होगा मेरे से? हाँ भाई तुमने ठीक कहा, मेरे को तुमसे बहुत बड़ा काम है। सुना है कि तुम्हारा 2.5 किलो का हाथ बहुत चलता है। तुम्हारा 2.5 किलो के हाथ से आदमी उठता नहीं उठ जाता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही काम है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? नहीं मोदी चाचा, मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सब बुरे धंधे बुरे काम छुड़वा दिए हैं। बस अब तो मैं खेतों में काम करता हूँ और अपना गुजारा कर रहा हूँ। वैसे तुम दिन भर खेतों में बैलों के साथ जूते रहते हो तो कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ शाम को घर के लिए दाना और पेट के लिए खाना मिल जाता है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। हमारे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दे दूँगा और हगने के लिए शौचालय भी दे दूँगा। नहीं मोदी चाचा, मैं तो खेतों में हगी आऊँगा और झोपड़ी में रह लूँगा, पर मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। एक बार फिर सोच लो, ये मत भूलो कि जिस खटिया पर तुम बैठे हो ना, वो खटिया मैंने तुम्हें लेकर दी थी, तो ले जाओ अपनी खटिया। वैसे भी मुझे तुम्हारी खटिया पर नींद नहीं आती और रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। ले जाओ तुम्हारी खटिया और दोबारा यहाँ मत आना। काजल बिटिया समझाओ इसे, समझाओ। इस भुखमरी की जिंदगी में जीने से अच्छा है कि 2.5 लाख का पक्के मकान में रहो। मोदी चाचा 2.5 लाख में मकान नहीं बनता है। तुम्हारे 2.5 लाख के चक्कर में लोगों ने 1.5-2 लाख का कर्जा कर रखा है। मुझे कर्जा करने का कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 2.5 लाख। और जाते जाते अपनी खटिया भी लेते जाना। गजब बेइज्जती है यार, आज तो इन दोनों ने बड़े प्यार से मिलजुल कर मेरी बेइज्जती कर दी। पर जैसी तुम्हारी मर्जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि।